हाय फ्रेंड्स, आज तारीख है 7 अक्टूबर 2022 और टाइम हो रहा है 5 o'clock। अभी 3-4 मिनट कम है और मैं निकला था 9:30 बजे अपने घर से। अब जो मेरे पर्सनल कस्टमर आते हैं गौर सिटी, मैंने उनको वहाँ पर छोड़ा था। मुझे थोड़ा काम था साकेत में, मेरे पास उससे पहले ही ड्रॉप मेरे पास पेपर का जो अलीपुर से लेके आता हूँ वहाँ से मुझे फ़ोन आ गया था। तो फिर मैंने लोकेशन लगा ली थी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट की, ओला उबर दोनों में। तो मेरे पास उबर में बुकिंग आई थी, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, उसमें मुझे 300 रुपये की अर्निंग हुई है, 2-4-5 रुपये कम है। तो मैंने उनको वहाँ पर ड्रॉप कर दिया था, तो वहाँ से भी मैं लेके आ चुका हूँ गुड़गांव। पेपर रास्ते में गैस भी भरा ली, अब एकदम काम फिट है। अब मैं अपनी एडवाइस कर रहा हूँ ओला उबर की ऑन। अब मैं आपको दिखाऊँगा ओला उबर में ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अर्निंग करके। तो अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, अभी मैं निकल रहा हूँ, ओला उबर की डिवाइस ऑन कर रहा हूँ। बीच में मैंने एक घंटे गाड़ी चलाई थी जो लोकेशन लगा के ले गया था, उसको भी मैं एक घंटा जोड़ दूंगा, एक नहीं सवा घंटा भी जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक घंटे से कम टाइम लगा था उसको सवा घंटा भी जोड़ दूंगा, 1.5 घंटे जोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। अब मैं आपको दिखाऊंगा 5 बजे से लेकर के 9-10 बजे तक मेरी 5 घंटे में मेरी कितनी अर्निंग हो जाती है ओला और ऊबर से। तो चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। और सॉरी, मैं पिछले 6-7 दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, 1 हफ्ते से, तो उसके लिए सॉरी। अब आपके लिए डेली ब्लॉग आएगा, चाहे मैं कुछ भी करूँगा अपना डेली ब्लॉग बना के डालूंगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे वीडियो बनाना बंद कर दिया, ये है वो है, तो नहीं, अब मैं कुछ भी करूँगा ब्लॉग आता रहेगा मेरे बीच बीच में। कहीं पर भी जाऊँगा, कहीं पर भी किसी के साथ भी, चाहे दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, मैं ब्लॉग डालता रहूँगा। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं मेरी कितनी अर्निंग हो पाती है ओला उबर से। तो मिलते हैं कोई ट्रिप आने से आने तक। आज मैंने काम स्टार्ट किया था 5 बजे गुड़गांव सेक्टर 34 से। मैंने एक ट्रिप दिन में की थी, 1 घंटा आप उसको लगा लीजिए। अभी टाइम हो रहा है 9:15, ये देख लीजिए। और मैं हूँ अभी परथला, अपने घर के पास ही हूँ, पीछे ही हूँ मैं, परथला मेरे पीछे ही है। तो मेरी, अब मैं आपको बता दूँ अर्निंग, मैं पहले गुड़गांव सेक्टर, पहले मैं अपने जो पर्सनल कस्टमर थे सुरक्षित ड्रॉप किया था, तो वहाँ से मैंने लोकेशन लगाई थी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट की। तो मेरे पास पीतमपुरा की ट्रिप आ गई थी, तो मैंने पीतमपुरा की उस ट्रिप को कर दिया था ड्रॉप। ड्रॉप करने के बाद फिर मेरे पास, मैं अपना सामान ले गया गुड़गांव, वहाँ ड्रॉप करके उसके बाद मेरे पास एक मेरे पास ट्रिप आ रही थी गुड़गांव की, अंदर की भी आ रही थी, मानेश्वर की भी आ रही थी, प्राइम की भी आ रही थी, सर्च में भी आ रही थी, पर मैंने कोई ट्रिप नहीं ली। उसके बाद एक दो ग्यारह की ट्रिप ली थी मैंने, मिनी की थी, तो मैंने वो ले ली, उनको मैंने ड्रॉप किया था। उसके 10 मिनट के बाद करीबन, पहले तो मैंने 5 बजे अपनी डिवाइस ऑन की, करीबन 1/2 घंटा 1.5 घंटा मैंने इंतजार किया था, उसके बाद ट्रिप आई थी मेरी ओला में। तो फिर मैं अपना 20 मिनट लगे थे मुझे पहुँचने में उद्योग विहार, 20 मिनट में ड्रॉप करके फिर मेरे पास ट्रिप आई थी INA मार्केट की। तो INA मार्केट भी मुझे 1 घंटा लगा था, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। उस ट्रिप में मुझे 300 कुछ रुपये की मेरी अर्निंग हुई है, 100 रुपये का टोल है। और उसके बाद वहीं से मेरे पास ट्रिप आ गई थी, मैं लोकेशन लगा ली थी गौर सिटी की, तो मेरे पास ट्रिप आ गई थी वैशाली, तो वैशाली उनको मैंने ड्रॉप कर दिया था। फिर मैं द्वारा आ गया सेक्टर 62 से मैंने कहा ट्रिप मिल जाएगी तो मुझे गौर सिटी की, तो मैं ले लूँगा। फिर सेक्टर 51 की ट्रिप आ गई थी, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो वो वाली ट्रिप इसलिए ले ली, 71 के बगल में, 71 और 51 सेक्टर बगल में ही है 52। तो मैंने क्या हुआ कि मेरा घर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर था, तो मैं प्राइम की थी इसलिए मैंने ले ली ये ट्रिप। तो अब मैं आपको टोटल अपनी अर्निंग, ओला में मेरी अर्निंग है 623 रुपये की, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। 2 ट्रिप की है मैंने, एक वहीं उद्योग विहार में की थी, एक दूसरी में वैशाली की थी। तो 2 ट्रिप उसमें होगी मेरी 623 रुपये। और ओला के मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, ऑपरेटर है 800 रुपये का प्लस 100 रुपये का टोल, 600 1500 रुपये। मैंने आज गाड़ी चलाना स्टार्ट किया था शाम के 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक मैंने ये गाड़ी चलाई है, 9:15 मान लीजिए, और 4.25 घंटे और 1 घंटा, वो यानी 5.25 घंटे मेरी अर्निंग होगी 1500 रुपये की। और जो मैंने अपना काम किया था पर्सनल, वो मेरा अपना पर्सनल है। तो चलो अर्निंग आज की हो गई है 1500 रुपये की 5 घंटे में। कल सैटरडे का दिन है, तो कल मैं मोस्टली क्या है कि मैं थोड़ा लेट निकलूँगा, 11 बजे के करीब निकलूँगा। और थैंक यू सो मच विक्की भाई जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने मेरी अभी लास्ट वाली वीडियो पर कमेंट किया था, नाइस वीडियो, अच्छा लगा। मैं सभी अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि
विक्की की ब्लॉग यूट्यूब पे और यूट्यूब पे और उस फेसबुक पे उनका अकाउंट है, आप उनकी जाके वीडियो देखो। उनका अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनका सब्सक्राइब कर लो, बड़ी आदमी है विक्की भाई। मैं कभी पर्सनली मिलूँगा उनसे एक आध दो महीने बाद। थैंक यू सो मच विक्की भाई, आपने कम से कम मेरी वीडियो देखी और कमेंट किया, अच्छा लगा मुझे। क्योंकि आपके अभी मान लीजिए 20,000 सब्सक्राइबर है आपके फेसबुक पे, 10,000 सब्सक्राइबर है आपके यूट्यूब पे, तो आपको कहीं टाइम मिलता होगा, फिर भी आपने अपने भाई के लिए टाइम निकाला और वीडियो देखी, कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, आपके साथ भी मेरी किसी दिन वीडियो आएगी, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद थोड़े सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 2-4 महीने मुझे भी हो जाएंगे, तो मैं आपके साथ ज़रूर मिलूँगा। अभी ऐसे मुझे भी मिलना अच्छा नहीं लगेगा, आप कहोगे कि प्रमोशन कराने के लिए आ गया है, तो मुझे जो मेरे अभी सब्सक्राइबर भाई है, मुझे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि विक्की भाई के साथ कभी मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ, ताकि लोगों को ताकि उनको ना ऐसा ना लगे कि मैं उनके पास आया हूँ अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए। देखो मैं जब उनके साथ में मुझे गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, तो मैं जब उस लायक हो जाऊँगा तब उनके पास जाऊँगा और सामने से उनको कॉल भी करूँगा। अगर नहीं आएगा कॉल उनका तो कोई बात नहीं, मैं सामने से कॉल करूँगा उनका। तो विक्की भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ और आप भी मेरे ब्लॉग देखा करो। धन्यवाद सभी भाइयों को। मैं प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, राज टैक्सी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो। अगर यह वीडियो मेरी फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर लो और फॉलो कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको। वो